नमस्कार दर्शकों, आज हमारे बीच हैं हमारे नरसिंहपुर जिला संगठन के जिलाध्यक्ष आदरणीय कैलाश सोनी जी। हम उनका हमारे स्टूडियो में स्वागत करते हैं और उनसे हम आज आपके बीच में लेकर आ रहे हैं नरसिंहपुर जिले की चार विधानसभाएं। इन चारों विधानसभाओं में वर्तमान में विकास ने क्या, सरकार ने क्या विकासशील कार्य किए, वो अपनी सरकार की जो भी विकास नीति है, विकास नीति से जो विकास कार्य हुए उनके बारे में आपको रूबरू कराएंगे। तो आज हमारे बीच हैं, हम आपको मिलाते हैं श्री कैलाश सोनी जी, आपका स्वागत है स्टूडियो में। धन्यवाद आपका। ये हम ये जानना चाहते थे कि नरसिंहपुर की चार विधानसभा सीट हैं, उन चार विधानसभा सीट में यदि हम पहली विधानसभा की बात करते हैं नरसिंहपुर जिले की, वो है गोटेगांव। तो गोटेगांव विधानसभा क्षेत्र में कौन कौन से ऐसे विकास हैं जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की इन पांच वर्ष जो होने वाले उनमें? गोटेगांव विधानसभा क्षेत्र की दृष्टि से सबसे बड़ा दर्द पूरे जिले ही से संबंधित है, हम आपसे भी संबंधित है, वो था बाईपास का। बाईपास का कार्य हमारा पूर्णता की तरफ है, केवल रेलवे ब्रिज का काम शेष है। संभवतः इस वर्ष में हम आपको लोकार्पित कर देंगे उस सड़क को। बाईपास हमारा गोटेगांव से निकलने में बहुत तकलीफ थी, तो यह हमारा काम एक पूरा हो गया। दूसरा, गोटेगांव विधानसभा क्षेत्र की सबसे बड़ी तकलीफ थी अपने गोरखपुर उसरी आदिवासी बेल्ट जी, टोटल आदिवासी बेल्ट पे मुख्यमंत्री जी खुद वहाँ गए थे, ओला गिरा था उस समय, और कमिटमेंट करके आए थे वो सड़क हमारी बन चुकी है। गोरखपुर उसरी की पूरी लंबी सड़क टायर रोड, कभी कल्पना भी उस क्षेत्र ने नहीं की होगी कि यहाँ इतनी गुणवत्ता की इतनी अच्छी सड़क। तो आज पूरे आदिवासी बेल्ट में हमारी साकल रोड भी हमारी पूरी तरह से निर्मित हो गई, अभी रिटायरिंग हो गई। इसके बाद आपके ये जबलपुर जाने के लिए जो चरगवा रोड है, अभी NH की हालत कुछ ख़राब थी, तो अभी चरगवा रोड जो है जबलपुर के लिए, जो तिलवारा से जा करके और मेडिकल पहुंचाती है, वो रोड भी अभी हमारे बीच में निर्माण हुआ। कोई गांव ऐसा नहीं है, बड़ी जितनी भी जनता से संबंधित सड़कें सब पे काम लगे हैं और सब पे माने रोड बन चुके हैं। बड़ी आबादी के 1000 की आबादी का कोई गांव आज कनेक्टिविटी से, इसके अलावा वहाँ कोर्ट का भी जगह जो है वो निकाली गई, कोर्ट का भी निर्माण का काम, बिल्डिंग का, भवन का निकट भविष्य में शुरू होने वाला है। बाकी के इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से देखें तो प्रत्येक पंचायत में कोई भी गांव ऐसा नहीं है जहां पे हमारा कोई विकास का चिन्ह ना लगा हो। या तो स्कूल की बिल्डिंग है बहुत बड़ी, 25-25 लाख की मिडिल स्कूल की बिल्डिंग है, हायर सेकेंडरी की 50 लाख की बिल्डिंग है। इसके अलावा पंचायत भवन भी देखने लायक है, जो हमारे रिजिम में सबसे बड़ी उपलब्धि है वो गांव में हमारे पंचायत भवन है। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित हर समस्या के लिए हमारी सरकार ने काम किया है, सिलसिलेवार आप कहेंगे तो, उन समस्याओं के संदर्भ से भी कोई दर्द ऐसा नहीं है गांव का कि जिस पर हमारी सरकार ने काम। यदि यहीं पर बात करते हैं नरसिंहपुर विधानसभा की, तो नरसिंहपुर विधानसभा में ऐसे कौन से विकास कार्य जिनको आप अपनी उपलब्धि मानते हैं और जो सामाजिक पटल पर भी उन्हें देखा जाए तो वास्तव में उपलब्धि के रूप में? नरसिंहपुर शहर में तो कहने को तो ये बहुत माने प्रभावशाली राजनीतिक ताकत का ये क्षेत्र रहा है, नेक्स्ट टू CM यहाँ, फाइनेंस मिनिस्टर, उनके पिताजी भी फाइनेंस मिनिस्टर, लेकिन लगा नहीं कि ये डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर। हमारे ही समय ये सुभाष पार्क का विकास, या हमारे नगर पालिका अध्यक्ष थे, उसके बाद ऑडिटोरियम आपने देखा होगा कि बहुत बड़ी नीड थी। एक हमारे यहाँ बीच में एक वो सार्वजनिक कार्यक्रम के लिए, इंडोर कार्यक्रम के लिए केवल एक बीच में एक बिल्डिंग थी, वो भी टूट फूट गई है। तो इतना बड़ा ऑडिटोरियम लगभग 2 करोड़ से अधिक की राशि का कॉलेज परिसर में यह हमारा ऑडिटोरियम का निर्माण हुआ है। इसके अलावा अभी आपने देखा होगा मॉडल रोड का काम पूरे शहर का पूरा हो गया है। मॉडल रोड के अलावा जो कनेक्टिविटी थी NHAI से, अभी ये रोड हमारा बन के 12 करोड़ की राशि का ये रोड हमारा पूरा हो गया,
शहर के भीतर जितने टुकड़े बचे हैं ये सारे सीमेंट रोड दोहरीकरण करके सारा सीमेंट रोड का निर्माण ये शहर में ये काम चल रहा है। अभी आप चले जाइए चिनकी रोड, चिनकी रोड अकेली नहीं तो नर्मदा नदी पे इतना बड़ा माने पुल, पूरी कनेक्टिविटी उस विधानसभा के लिए। ये कठिन विधानसभा थी कि घूम करके हम और करेली से होकर के हम माने हाड़ी काट और इस तरफ जाया करते थे, ये हमारी रोड बनी। इतना ही नहीं तो आपका हीरापुर जो अमोदा वाला रोड है, फॉरेस्ट का झगड़ा था उसमें, वर्षों से स्वतंत्रता के बाद से कभी लोगों ने इस सड़क की कल्पना नहीं की थी, ये सड़क वहाँ निर्माण हो चुका है। झोंतेश्वर में जो साकल गुफा है वहाँ अमोदा और जो हृदय शाह जी हमारे बड़े क्रांतिकारी हो गए हैं जिनने इस देश के 1857 की लड़ाई के पहले जो अंग्रेजों से लोहा लिया है उनकी उनके लिए श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए इस रोड का निर्माण हम कर चुके हैं। और ये हमारे पुल के निर्माण के बाद जो आपके चिनकी घाट पे नर्मदा का ब्रिज बन रहा है, सारी सुविधाएं जो उस क्षेत्र की थी बंदरोहा से लेकर के आपके केर पानी सरसला ये सारे पूरे गांव की ये सब पूरा जो है गांव कनेक्ट हो जाएगा नरसिंहपुर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से। और इस रोड का भी काम चिनकी घाट का दिग्विजय सिंह जी उद्घाटन कर गए थे, इस पर 1 रुपये की राशि नहीं थी, इस रोड का निर्माण अभी हमने किया। और ये पुल इसके अलावा भी टाउन के भीतर की सीमेंट रोड 12 करोड़ की निर्मित हो चुकी है। अभी अंदर आपके कठौतिया से लेकर के और कनेक्टिविटी एक गढ़वाल के लिए नर्मदा जी जाने के लिए ये सारी रोडों का राती करार वाली जो रोड उसका काम लगा है। हमारी जो आपके इमलिया राकई रोड है इसका भी सीमेंटीकरण किया जा रहा है। आमगांव रोड उसका चौड़ीकरण कहाँ माने जहाँ आप निगाह दौड़ाएंगे कोई सड़क नरसिंहपुर विधानसभा क्षेत्र की भी शेष नहीं रहेगी। इंफ्रास्ट्रक्चर जैसा हमने बताया जो गोटे गांव में यहाँ पे भी आप कहीं से चले जाओ आपको पंचायत भवन सामुदायिक भवन बड़े बड़े पूरे हर ग्रामीण क्षेत्रों में भी अब हमें शहरों की तरह सारा माने हमारे जीवन से मानव जीवन से संबंधित सारे उपक्रम यहाँ गांव में बड़े सुविधा से किए जा सकते हैं। इस तरह के भवनों के निर्माण गांव में हो चुके हैं। मूलभूत सुविधा को लेकर ये बात करते हैं नरसिंहपुर विधानसभा की तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ असंतुष्टता है कि मूलभूत सुविधाएं लोगों को नहीं मिल पा रही। जैसे कि आपके नरसिंहपुर जिला मुख्यालय से लग के एक गाँव है उस वहाँ जब बसीहट को वहाँ से हटाया गया सड़क निर्माण के लिए उमरिया का जो मार्ग बन रहा है तो वहाँ पर बहुत विषम परिस्थितियाँ, जब मीडिया वहाँ पर पहुँची तो वहाँ के हालात जो है बड़े भयावह हैं। वहाँ पर शौचालय नहीं है वहाँ लाइट ने आपने आपने बात ठीक उठाई। एक तो क्या है कि लोक मार्ग पे लोगों ने निर्माण कर लिए थे उन्हें कोई वैधानिक पात्रता नहीं थी, लेकिन जैसा आपको मालूम है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने कहा है कि कोई आदमी का भी ऐसा नहीं रहने देंगे कि जिसका मकान ना हो, और उसी कल्पना को साकार करने के लिए यहाँ अभी हमने कुछ भवन पहले निर्मित कर दिए जो हमने लॉटरी के माध्यम से वो बहुत कम कीमत पे किस्तों में मालिकाना हक दे करके पत्नी का नाम दर्ज करके ये आवंटित कर दिए हैं। बाकी के और जो लोग अभी बाद में हटाए गए थे इन सब के लिए भी कोई आदमी ऐसा नहीं बचेगा कि जिसका मकान ना हो, लेकिन असुविधा यहाँ होती कि लोग रोड पे बनाना चाहते हैं। रोड पे तो लोक मार्ग पे माने नहीं दिया जा सकता क्योंकि इतने वाहन बढ़ गए हैं, आवागमन इतना हो गया है कि अब आपको लोक मार्ग पे तो आपको बहुत संजीदगी से व्यवहार करना पड़ेगा। यहाँ पे हम कोई एनक्रोचमेंट या दीगर चीज़ें यदि हम करेंगे तो हमारा फिर लोक मार्ग चल नहीं सकेगा। उनका भी सबका इंतजाम हो गया है, सारे लोगों को कोई आदमी बचेगा नहीं जिसके लिए मकान ना हो। उपलब्धि की हम बात करें तो उपलब्धियों में आप सबसे बड़ी उपलब्धि में किसको गिना सकते हैं? जैसे कि एक बहुत बड़ी चीज सामने निकल के आई कृषि कर्मण अवार्ड की भी बात आई, वहीं अपन आगे बढ़ रहे हैं तो ODF में नरसिंहपुर जिला को कहीं ना कहीं सौगात मिली। इनमें जो कार्य हुआ है उस कार्य से आप कितने संतुष्ट हैं और आप ग्रामीण क्षेत्रों के आपके दौरे भी चल रहे हैं उन दौरों में आपको क्या लगा कि वास्तव में ये कार्य अच्छे हुए गुणवत्तापूर्ण हुए? माने कहीं कहीं तो माने गाँव की शिकायत आई है, 10 किस्म के कर्मचारी हैं, हर कर्मचारी की अपनी योग्यता है और उस समय बहुत तेजी से लक्ष्य पूर्ति के लिए
काम किया गया है, तो 19-20 कहीं विसंगति हो सकती है, उसको भी लेकिन पूरा कर रहे हैं। जहाँ पे कुछ लोगों के ठीक नहीं बने तो फिर से बनाए जा रहे हैं, जहाँ शिकायत प्राप्त हो रही तो उसको भी ठीक कर रहे हैं। लेकिन मेजर बहुत बड़ा लक्ष्य, आपको याद होगा पटवाजी के समय साक्षरता में भी हमारे जिले ने कीर्ति स्थापित की पूरे हिंदुस्तान में, साक्षर जिला है। इसके अलावा ODF के मामले में भी ये बड़ी बात है कि पूरे देश में अपने मध्य प्रदेश में नंबर एक हमारा जिला आया और हमने इस लक्ष्य की प्राप्ति की है। जो 19-20 तेजी से काम करने के कारण कहीं जो रह गई थी, तो वो उसको भी हमारे हिसाब से तो उसका भी क्रियान्वयन लगभग पूरा हो गया है। और आपके नोटिस में भी कोई हो, ऐसी शिकायत आपको प्राप्त हो तो आप बताइए, उसको भी ठीक करेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में, नरसिंहपुर का तेंदुखेड़ा, इस तेंदुखेड़ा के जो हालात हैं उसका भी आपके द्वारा सर्वे किया गया, आपने ग्रामीण क्षेत्रों में जाके देखा, क्या लगा तेंदुखेड़ा में कौन सी ऐसी मूलभूत सुविधा है जो जिससे लोग वंचित थे, या वहाँ आपकी क्या उपलब्धि है? देखिए, बरसों से हमारे तेंदुखेड़ा में जो उस तरफ नर्मदा उत्तराखंड में सबसे बड़ी तकलीफ थी हमारी डोभी मार्ग की। अभी आपने देखा होगा टेंडर लग गए, काम लग गया, 35 करोड़ की सड़क चौड़ीकरण और तेंदुखेड़ा हेडक्वार्टर तक, तहसील हेडक्वार्टर तक सड़क का निर्माण चल रहा है। ये हमारी सबसे मूलभूत थी। अभी आप जाके देख लीजिए अपने मर्राउन बूथ क्रमांक 1 से लेकर के वहाँ पूरे आदिवासी बेल्ट में सब जगह डामलीकरण हो करके सड़कों का निर्माण, चाहे काचर कोना की सड़क हो, और इसके अलावा ककरा पे भी वहाँ नर्मदा का ब्रिज निर्मित होकर के, बीच में भी कुछ सिविल लिटिगेशन था तो वो भी समस्या हल होकर के वहाँ भी सड़क का निर्माण हो गया है। और अब सीधी कनेक्टिविटी गाडरवारा से, जो अनुविभाग था हमारा गाडरवारा, मेजर व्यापारिक केंद्र गाडरवारा, वहाँ से आना जाना बहुत, माने सिविल कोर्ट भी वहाँ गाडरवारा लगती थी, तो बहुत दूरी माने 45 किलोमीटर का चक्कर खत्म करके ककरा पे नर्मदा ब्रिज का निर्माण हो गया और इतनी शानदार सड़क बन गई कि अब सारे लोगों को जो उनका बरसों से भामा बीकोर यहाँ पूरे भामा अपने हीरापुर सारे लोगों के लिए जो दिक्कत थी तो वो सब समाप्त है। वहाँ भी रोड का निर्माण हो गया, वहाँ सीधे विट्ठल भवन तक हमारी बल के शादी विवाह तक तेंदुखेड़ा क्षेत्र के, वहाँ आपके चेरा कला के सामने जितने भी विवाह घर बने वहाँ पर हमने बोले, अंदर भी भीतर जितने अभी एक और रोड सेंक्शन हुआ है लगभग 46 करोड़ का, ये आपके कठौतिया से लेकर के शुरू होगा बाईपास सीधे गाडरवारा, भीतर भीतर एक और रोड जो अपना मेन बम्बई रोड था गाडरवारा रोड, उसके अतिरिक्त एक रोड और संपूर्ण जिले के लिए, बल्कि नर्मदा स्नान करने वालों के लिए भी पुरगवा से लेकर के, और इसकी कनेक्टिविटी सीधे यहाँ भोरचे होते हुए कठौतिया बरमान NH-26 NHAI से क्रॉस करके यहाँ तक जुड़ेगा। ये 48 करोड़ का टेंडर लग गया, इसका भी काम शुरू हो चुका है, इस वर्ष में इसकी भी पूर्णता हो जाएगी। इसके अलावा अंदर भी हमारे अभी आपने कुछ दिन पहले समाचार पत्रों में पढ़ा होगा कि आपके सावरी भूमि, देखा ये स्थिति थी कि है तो ओल्ड बोहानी तेंदुखेड़ा विधानसभा क्षेत्र के हिस्से, लेकिन हम आते थे हरई अमरवाड़ा से, यहाँ सड़क की कनेक्टिविटी, और अभी पिछले माह में हमने वहाँ बिजली, स्वतंत्रता के बाद पहली बार वहाँ हमने बिजली दीनदयाल ऊर्जा योजना के अंतर्गत वहाँ हमने हर घर में बिजली पहुँचाई, और टाइम बाउंड प्रोग्राम हमारे प्रधानमंत्री जी का टाइम बाउंड प्रोग्राम है कि जून 2018 तक कोई भी मकान ऐसा नहीं बचेगा कि जहां बिजली ना पहुंचे। उसके लिए सौभाग्य योजना, हमारी दीनदयाल ऊर्जा योजना, सारी ऊर्जा योजना लागू करके और प्रत्येक के घर में बिजली, ये लक्ष्य की पूर्ति आप देखेंगे। अभी 18 में हम जून 18 बरसात के पहले हम सब जगह बिजली, अभी हमारा ये एक बत जो अपने बिजली छोटे घरों के लिए, 5 घरों के लिए, 15 घरों के लिए सारी योजना इनके सर्विस में, पोस्ट ऑफिस के लोगों को भी लगा करके
और 4 माह के भीतर हम बिजली भी, और बिजली इतनी नहीं, बिजली की गुणवत्ता, कोई जमाना था कि लोगों को 22 दिन तक जो है बिजली प्राप्त नहीं होती थी, मोटर नहीं चलती थी, जानवरों के लिए पीने का पानी नहीं मिल पाता था, लेकिन सब जगह इतनी सब स्टेशन पर्याप्त, और जो उत्पादकता है जो आपने कहा कृषि कर्मण, ये इसके लिए सबसे मेजर पोर्शन है बिजली, किसानी के लिए बिजली, न केवल घरों के लिए बल्कि किसानी के लिए बिजली प्राप्त हो। इसी क्रम में हम बात करते हैं, कॉलेज हमारे सीहोरा में और तेंदुखेड़ा में, दो महाविद्यालय, ये बड़ी उपलब्धि तेंदुखेड़ा। यदि हम आगे बढ़ते हैं तो गाडावारा पे आते हैं, 121 पे। गाडावारा की स्थिति आपकी नजरों में क्या है और कितना संतुष्ट हैं आप वहाँ की विकास की गति से? गाडावारा तो इस जिले से थोड़ा सबसे उठा हुआ हिस्सा लगता है, वहाँ NTPC आई, NTPC के कारण वहाँ की दिशा दशा दोनों बदल गई, जिस तेजी से काम हो रहा, और उसमें लक्ष्य है उनका कि अगले साल तक उसमें प्रोडक्शन शुरू कर देंगे, NTPC का PMO के टारगेट पे है, हर माह जो है उनके द्वारा पूछा जाता है कि इसका लक्ष्य जो है कहाँ तक कितना काम हुआ है कितना नहीं हुआ है, और इससे बहुत बड़ी पूर्ति न केवल हमारे ज़िले की बल्कि ऊर्जा की, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जिले का, यदि अपन कहें कि सबसे बड़ा महत्वाकांक्षी और सबसे बड़ा प्रोजेक्ट जो आम जनता के हित का है, जो किसान के हित का है, जो उद्योग के हित का है, कि ऊर्जा नहीं होगी तो फिर कहाँ से हम आने सारी चीज़ों की पूर्ति करेंगे, तो ये लक्ष्य भी जो हमारा पूरा होने वाला है, और आपके माध्यम से हम किसानों से कहना चाहते हैं कि हम उनके साथ हैं, कुछ भी जो उनकी तकलीफें हैं उसके संबंध में भी सांसद जी से भी बात हुई, और वो सांसद जी ऊर्जा मंत्री से भी संपर्क में, संभवतः कल मुलाकात करेंगे, और जो अभी छोटी मोटी समस्याएं हैं कि उनके लोगों को रोजगार में प्राथमिकता मिलना चाहिए, निश्चित रूप से प्राप्त होंगी। मूलभूत सुविधाओं को गाडावारा को लेकर बात करें तो मूलभूत सुविधाओं में ऐसी कौन सी सुविधाएं जो पार्टी ने जो रहवासी हैं उनके लिए उपलब्ध कराई हो गाडावारा? मूलभूत समस्याओं के लिए अपने ज़िले में हमें याद नहीं आता 40-50 साल में कि हर गांव में गरीबों के लिए 50-50 100-100 कई कई जगह तो 120-120 मकान के काम लगे हैं, और प्लिंथ लेवल पूरी हो गई, लेंटर कई जगह भराए जा चुके हैं, कई जगह हम लोकार्पित करने की स्थिति में आ गए मकानों की, और बहुत तेज़ी से अंदर जो सबसे बड़ी उपलब्धि हुई है वो हर गरीब के लिए जो मकान का लक्ष्य है उसकी पूर्ति हो रही। सड़कों के मामले में तो अंबार लगा है गाडावारा विधानसभा क्षेत्र में, इतने ही नहीं तो अभी आप जाओ सिंहपुर बड़ा में डबल स्टोरी का सामुदायिक भवन, अभी आप जाओ सूखा में, सूखा कैरी में, अभी आप सब साईखेड़ा में कॉलेज महाविद्यालय की शुरुआत हो गई है, साईखेड़ा में अन्य और भी अभी मंडी भी शुरू होने वाली, साले चौका की मंडी भी जो बंद पड़ी थी उपमंडी, उसको भी हमारे प्रारंभ कराने का काम किया है, और ग्रामीण क्षेत्र के आदमी को अटल ज्योति योजना ला करके पहली बार आदमी को ग्रामीण क्षेत्र के आदमी माना है सरकार ने, और मूलभूत जो भी दर्द है, सबसे बड़ा दर्द सड़क का था, और सड़क के बाद दूसरा सबसे बड़ा दर्द था, सबसे बड़ी कठिनाई थी वो थी ऊर्जा की, बिजली की, तो ये हमने प्रतिपूर्ति की है और फुल पावर में लोगों को बिजली प्राप्त हो रही है, उत्पादन इसका प्रमाण है। तो हमारे बीच से आज हमारी भी एक मर्यादाएं होती है, मर्यादाओं के तहत ही हम बात करते हैं वन टू वन में। हम अभी ये जानना चाह रहे थे जिला अध्यक्ष जी से कि नरसिंहपुर जिले की 4 विधानसभा सीटों पर क्या विकास कार्य किए गए, विकास कार्यों की जो गाथा है वो आपने सुनी है।